Good morning and Jana students. I hope you all are fit and fine. And you all are following the SMS rule S for soap, M for mask and S for social distancing. Now, chapter 5, patterns. In the previous class, we have learned how to draw, how to make patterns. And today we will continue in this chapter. Students Ajam Kya likhenge? definition of pattern. अ पैटर्न इज़ अ सीरीज़ और सीक्वेंस दैट रिपीट्स मैथ पैटर्न आ सीक्वेंस दैट रिपीट बेस्ड ऑन रूल एंड रूल इज़ अ सेट वे टू कैलकुलेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम बच्चों पैटर्न एक सीरीज या सीक्वेंस को बार बार रिपीट करता है और मैथ्स में सीक्वेंसेज को रिपीट किस बेस पर होते हैं रूल्स के बेस पर और वो जो रूल्स होते हैं वो एक तरीके से सेट किए जाते हैं जो कि कैलकुलेट करके किया जाता है और उससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट देखिए क्या बना है यहाँ पर ट्रैंगल सर्कल ट्रैंगल सर्कल ट्रैंगल सर्कल नेक्स्ट इज़ ये क्या बना है पेंटगन हार्ट शेप है फिर फिर क्या है स्टार फिर रिपीट वही चीज़ें हैं ऐसे ही पैटर्न्स को हम कुछ पैटर्न्स में रूल्स फॉलो होते हैं नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। टाइप्स ऑफ पैटर्न्स पैटर्न हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं तो फर्स्ट इज़ रिपीटिंग पैटर्न अ रिपीटिंग पैटर्न इज़ अ टाइप ऑफ पैटर्न वेयर द रूल जस्ट कीप्स ऑन रिपीटिंग ओवर एंड ओवर इसका मतलब कि रिपीटिंग पैटर्न वह पैटर्न होता है जिसमें ये रूल ये फॉलो होता है कि आप उस जो भी आपके शेप्स मान लीजिए हमने यहाँ पर शेप्स ली सर्कल ट्रैंगल रेक्टेंगल देन आफ्टर सर्कल ट्रैंगल रेक्टेंगल देन आफ्टर सर्कल ट्रेंगल रेक्टेंगल मतलब यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा यहाँ पे सिर्फ पैटर्न रिपीट हो रहा है नंबर टू ग्रोइंग पैटर्न पैटर्न दैट ग्रो और इंक्रीज अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल आर कॉल्ड ग्रोइंग पैटर्न और इंक्रीजिंग पैटर्न बेटा ग्रोइंग पैटर्न क्या है जब ग्रो करना क्या होता है आप एक प्लांट लगाते हो वो धीरे धीरे बड़ा होता है जब वो बड़ा होता है वो बड़ा होना उसका क्या है ग्रो करना वैसे ही ग्रोइंग पैटर्न में क्या है कि आप फर्स्ट पिक्चर में देखिए ओनली वन लीव फिर यहाँ टू लीव्स इसमें इंक्रीज हो गई ग्रो कर गई थर्ड पिक्चर में फाइव हो गई तो हर बार कितनी कितनी लीव्स ग्रो कर रही हैं टू टू फिर उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर में सेवन नेक्स्ट में नाइन यही है ग्रोइंग पैटर्न जहाँ हर बार वो इंक्रीज होता जाता है जो भी आप ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे वहाँ पे या नंबर यूज करोगे वहाँ वो इंक्रीज होता जाएगा नेक्स्ट इज श्रिंकिंग पैटर्न नंबर थ्री श्रिंकिंग पैटर्न इन श्रिंकिंग पैटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज फ्रॉम वन टर्म टू द नेक्स्ट श्रिंकिंग पैटर्न ब वो होता है जहाँ पर जो भी आप ड्रॉ या कलर कर रहे हो या आपने जो भी ऑब्जेक्ट लिया है वहाँ श्रिंक श्रिंक मतलब कम हो जाना थोड़ा हो जाना तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर ये हट टाइप बनी हुई है नेक्स्ट पिक्चर में उसकी एक स्टिक हट गई उसके बाद फिर दो स्टिक्स हट गई देन थ्री स्टिक्स हटी देन वन स्टिक बची है, फोर स्टिक्स हट गई तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हुआ ये कम होती गई यहाँ पे जो फाइव स्टिक यूज हुई थी फर्स्ट हट को बनाने में एंड पे आते आते वो वन स्टिक बची अब बच्चों आपको ये मैं वर्कशीट दे रही हूँ कंप्लीट फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स आपको इसको अपनी कॉपी में भी करना है ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर इसमें कैसे इंक्रीज हो रहा है ये देखिए ट्वेल्व के बाद कितने नंबर ऐड हुए सिक्स एटीन हो गए एटीन में सिक्स ऐड किए ट्वेंटी फ़ोर नेक्स्ट क्या होगा ट्वेंटी फ़ोर में हम क्या ऐड करेंगे सिक्स थर्टी थर्टी में सिक्स ऐड करेंगे थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में सिक्स ऐड करेंगे फोर्टी टू नेक्स्ट इज़ सिक्सटी सिक्स देन आफ्टर सिक्सटी वन देन फिफ्टी सिक्स अब ये देखिए यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न है श्रिंकिंग पैटर्न कम हो रहा है सिक्सटी सिक्स में से हमने फाइव माइनस किया तो सिक्सटी वन हो गया सिक्सटी वन माइनस फाइव इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स देन आफ्टर हम यहाँ पर क्या माइनस करेंगे फाइव किस में से फिफ्टी सिक्स में से तो क्या आ जाएगा फिफ्टी वन उसके बाद क्या आएगा फोर्टी सिक्स देन फोर्टी वन अंडरस्ट नाउ इलेवन थर्टीन फिफ्टीन अब ये फिर ग्रोइंग पैटर्न है तो क्या आ जाएगा इलेवन थर्टीन फिफ्टीन देन आफ्टर सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन फिफ्टी एट फिफ्टी फाइव फिफ्टी टू दैट मीन्स अब क्या आएगा यस yes, यहाँ पर आएगा फोर्टी नाइन फिर क्या आएगा फोर्टी सिक्स फिर क्या आएगा फोर्टी थ्री देन ट्वेंटी नाइन थर्टी फोर थर्टी नाइन अब यहाँ पर हम फाइव फाइव इंक्रीज कर रहे हैं तो थर्टी नाइन के बाद क्या आएगा फोर्टी फोर फोर्टी नाइन फिफ्टी फोर ओके ना फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर है यहाँ पर हमारा ग्रोइंग पैटर्न ट्वेंटी वन थर्टी वन फोर्टी वन देन आफ्टर फिफ्टी वन देन आफ्टर सिक्सटी वन देन आफ्टर सेवेंटी वन ओके स्टूडेंट्स नाव नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग शेप पैटर्नस यस

rectangle triangle rectangle triangle rectangle triangle then after triangle circle triangle circle triangle circle next is complete the following alphabet patterns first is a a b b c c d d so next is ई एंड द नेक्स्ट इज़ एफ एफ अब यहाँ पर क्या फॉलो किया ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू तो यहाँ पर क्या आएगा ई वी नेक्स्ट इज़ एफ यू अब यहाँ हमने स्मॉल लेटर्स लिए हैं थर्ड वाले पे और कैपिटल दोनों लिए हैं तो कैपिटल ए स्मॉल ए Then after capital C, small c. Then after capital E, small e. Then after capital G and small g. Now after this, I capital, I small. Then K capital, K small. Okay. Fill number 4, A, B. Then B, C. Then C, D. Then D, E. The next is E, F. Then after F, E number 5 zy YX, XW, wv so vu and u next is vu and then after number 6 is jk LM, NO, P, Q. next rs then after यू वी ओके स्टूडेंट्स अंडरस्टूड नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो वन मोर थिंग अभी मैं आपको बता रही हूँ आपको करना क्या है आपको यहाँ से ये जो वर्क है चैप्टर फाइव का ये पूरा वर्क आप अपनी कॉपी में करेंगे फर्स्ट इज़ डेफिनेशन ऑफ पैटर्न टाइप्स ऑफ पैटर्न इसके तीनों टाइप्स रिपीटिंग पैटर्न ग्रोइंग पैटर्न श्रिंकिंग पैटर्न फिर आपको ये तीनों वर्कशीट भी करनी है ओके थैंक यू स्टूडेंट्स जय नारायण आई होप यू ऑल आर गुड वेल डन अ नाइस डे